देवास नगर निगम द्वारा मल्हार स्मृति मंदिर में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, फिसल पट्टी एवं जिम कराने के लिए सारी मशीनें लगाई गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधायक गायत्री राजे पवार द्वारा ग्राम बरोठा में 1041 करोड़ रुपए की लागत से 168 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। लेकिन मल्हार स्मृति मंदिर में पूरी व्यवस्था भी बेहाल है। न ही कोई सुरक्षित व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है, वही कई आवारा किस्म के लोग द्वारा वहां पर बैठकर नशा पानी भी किया जाता है। जहां पर एक और कोरोना महामारी के कारण मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं कल हमारे संवाददाता द्वारा मल्हार स्मृति मंदिर का दौरा किया गया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि कई बच्चे व बूढ़े लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पहले तो वो साधारण था पार्क, बट अभी बहुत काफ़ी सुविधा हो गई है। एक्सरसाइज के लिए भी हो गया, घूमने के लिए भी है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हो गए, तो पब्लिक वैसे इंजॉय कर रही है सभी, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, कोरोना की महामारी बीमारी भी चल रही है, उसको देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसके लिए यही है कि अपनी सेफ्टी रखें, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बना के रखें। सरकार की योजनाओं से खुश हैं आप? हाँ, खुश तो है, पर थोड़ी सी और ज़रूरत है यहाँ पर रोशनी वगैरह की, लाइटिंग के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कि अगर किसी को प्यास लग रही तो पानी पीने कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह होना चाहिए। आ जाए आप। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।